नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फाइल का पीडीएफ कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन ओपन कर लिया है। अभी जो हमारा जो डाटा दिया है, इसी डाटा को हमको पीडीएफ बनाना है। क्या बनाना है, मैंने मार्कशीट देखिए बना के रखा हुआ है, इसको हमको पीडीएफ बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीडीएफ का पे सेट कर लेंगे। पे सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल पी करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे। यहाँ पे साइज दिया है, जिटर हमारा रहेगा सही है, ओरिएंटेशन ये कर देंगे, लैंडस्केप में कर देंगे। लैंडस्केप में इसलिए करेंगे कि हमारा जो साइज दिया है अच्छे से हमारा मैच हो जाए। तो यहाँ पर कुछ पेज ले लेंगे, इंसर्ट करेंगे, पेज आ जाएगा इस तरीके से। थोड़ा ऊपर की तरफ पेज लेना तो राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर इंसर्ट आपका आ जाएगा, नया पेज आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे, हमको इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद पीडीएफ बनाना है। फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एज पे। सेव एज पे जाने के बाद यहाँ मिला आपको सेव एज टाइप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिया पीडीएफ और एक्सपीएस दिया है। पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, जहाँ पे आपको डाटा को रखना है, जैसे हमको रखना है डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देकर के डाटा को हम रख देंगे। जैसे लिखा एम एस कंप्यूटर, क्या करेंगे इसके बाद ओके करेंगे, सेव कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, डाटा पीडीएफ में बन जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओपन हो जाए, मिनिमाइज करेंगे। देखिए मैंने सेव किया है यहाँ पे, इसके बाद ओपन करेंगे, आपका क्या हो जाएगा डाटा, डाटा हमारा ओपन हो रहा है। देखिए मेरा पीडीएफ बन के रेडी हो गया। इस तरीके से आप लोग पीडीएफ बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सीखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डाटा शीट को हम कैसे पीडीएफ बनाएं। थैंक यू।